हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीमोज कुक हाउस। प्रीमोज कुक हाउस में सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे केरला का स्पेशल पालपम, जो कि बनाने में एकदम इजी है और हम लोग बिना ईस्ट के बनाएंगे। तो ज़रूर से आप लोग ये रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केरला का वेल्लयप्पम या पालप्पम बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट राइस लिया है, जो कि मैंने सोक पानी में भिगो के रख दिया था। 3 से 4 घंटा मैंने भिगोया है। जो हमारा वाइट राइस है वो मैंने ये ग्लास भर के 3 ग्लास लिया था। तो हम लोग इतने जो लोग हैं इसलिए मैंने इतना लिया, आप इसे कम क्वान्टिटी दे सकते हो। तो मैंने ये 3 ग्लास राइस को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। अभी मैंने पानी ड्रेन करके रखा हुआ है। और हमें एक नारियल पूरा चाहिए, मैंने बड़ा वाला नारियल पूरा ग्रेट करके रखा हुआ है। उसके बाद में हमें चाहिए जो नारियल हम फोड़ने के बाद जो पानी निकलता है, नारियल का पानी, उसमें शक्कर डाल के मैंने सुबह रख दिया था, वो अभी हम पीसने के टाइम यूज़ करेंगे। अगर आप 2 दिन पहले भी अगर नारियल फोड़ते हो तो उसका पानी एक ग्लास के बॉटल में डाल के उसमें शक्कर डाल के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। जब भी आप अपम बनाओगे तो यूज़ कर सकते हो, 2 दिन आप स्टोर करके रख सकते हो। फिर हमें चाहिए पका हुआ राइस, जो हम चावल बना पकाया हुआ है वो बॉइल्ड राइस लिया है मैंने 1 वाटी भर के। तो इतना सब हम पीस लेंगे। तो पीसने के लिए मैं जार में थोड़ा राइस डाल रही हूँ। अगर आपको नारियल पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो अप्पम है वो सॉफ्ट बने, क्योंकि हम लोग ईस्ट नहीं डाल रहे हैं। ईस्ट ऐड करते हैं तो नारियल पानी नहीं डाला तो भी चलेगा, ईस्ट नहीं डाल रहे इसलिए नारियल पानी डालोगे तो टेस्ट भी आएगा। और नारियल पानी कम पड़ता है पीसने के लिए, तो थोड़ा बाकी का नॉर्मल वाटर है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो आपने कितना दिया है क्वांटिटी उस हिसाब से, तो इसे हम अच्छे से पीस लेते हैं। पहली बार मैंने थोड़ा पीस लिया है, बैटर अच्छे से पीसना चाहिए, एकदम फाइन पेस्ट होना चाहिए। वापिस हम दोबारा, मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में राइस लिया है इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा करके पीसना पड़ रहा है। अगर आप कम लेते हो, 2 कप वगैरह, तो जल्दी से पीस पाओगे। अभी इसमें हम डालेंगे नारियल बाकी का, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ पीस नहीं पाएंगे। साथ में बॉइल्ड राइस भी डालेंगे, नारियल पानी भी डालेंगे और अच्छे से वापस पीस के देंगे। मैंने अच्छे से यहाँ पर राइस पीस लिया है, तो आप देख सकते हो एकदम फाइन पेस्ट होना चाहिए। अभी इसमें जो हम डोसा के लिए जो बैटर बनाते हैं उससे भी थोड़ा पानी होना चाहिए, तो और थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ मैं। अच्छे से मिक्स कीजिए। और मैंने यहाँ पर 4 ग्लास इसलिए लिया है कि हम लोग बहुत लोग हैं, तो इसलिए अगर आप 2 कप राइस लेते हो तो 2 कप राइस को 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा नारियल पीसेगा और 1/2 कप ही कुक्ड राइस भी उसके साथ पीसिए, तो बराबर से हो जाएगा। और नारियल पानी जितना हमें चाहिए, बैटर कितना लूज होना चाहिए उस हिसाब से डालिएगा। नारियल पानी कम पड़ता है तो जैसे कि मैंने बताया आप पानी भी ऐड कर सकते हो थोड़ा। तो इसे हम अभी ओवरनाइट रख देंगे फर्मेंट होने के लिए और सुबह हम इसे बनाएंगे। तो ठीक है, हम इसे फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने जो रात को चावल पीस के रखा था ओवरनाइट फर्मेंट हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हो अच्छे से फर्मेंट हुआ है, बिना ईस्ट के ही हम लोग जो अपन बना रहे हैं वो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो उसे मिक्स करते हैं। ये बबल्स जो दिख रहा है इसका मतलब है कि हमें हमारा जो बैटर है वो अच्छे से फर्मेंट हुआ है। अभी इसमें हम स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा शक्कर भी डालेंगे। चार चम्मच हम लोग शक्कर डालेंगे, मीठा जैसे आप पसंद करते हो, ज़्यादा मीठा भी नहीं, एक नमक और मीठापन का तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो आप टेस्ट चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नमक डालेंगे थोड़ा सा, अच्छे से मिक्स करेंगे। बाद में चेक कीजिएगा बराबर है कि नहीं, कम पड़ता है नमक या मीठापन तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो अपना बैटर जो रेडी है, अभी हम अपन बनाना स्टार्ट करेंगे। और आप देख सकते हो इसका जो कंसिस्टेंसी है, ऐसा इतना पानी होना चाहिए तो ये हमारा अपन परफेक्ट बनेगा। तो चलिए हम लोग पालपम बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई रखा है, उसमें तेल अप्लाई कर दिया है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नॉनस्टिक का आप पालापम बनाने का बर्तन मिलता है अगर वो है तो आपको इजी होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटा जो कढ़ाई है वो लीजिए, उसमें तेल अप्लाई कीजिए। उसके बाद में गैस ऑन किया है मैंने, थोड़ा
थोड़ा सा गर्म होने के बाद एक एक चमचा बैटर डालेंगे से बंद करके रखेंगे लो फ्लेम पे पकने दीजिए। अभी हम चेक करेंगे अपम हुआ है कि नहीं, तो आप देख सकते हो अपम जो है रेडी हो चुका है। बीच में ऐसे सेंटर में थोड़ा फुगा सा रहता है, इसलिए हम इसे पालापम बोलते हैं। नॉर्मल आप दोसा के जैसे भी बना सकते हो दोसे के तवे पे, उसे हम वेल्लेपम बोलेंगे। तेल लगा के दिया है, अभी इसमें हम वापस बैटर डालेंगे सेम। अगर आपको ऐसा बनाने के लिए हार्ड लगता है तो कोई बात नहीं है, दोसा के तवे पे दोसा जैसे बनाते हैं वैसे भी बना सकते हो, टेस्ट सेम आएगा। बंद करके रखेंगे। बनाती हूँ इसलिए वो आराम से निकलता है, तो आपको दो तीन बार उसे ट्राई करना पड़ेगा तो ही निकलेगा। तो सेम वैसे ही बाकी का भी हम बनाते हैं। नॉनस्टिक रहेगा तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। सॉफ्ट और टेस्टी जो पालापम जो है रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट और साइड में ऐसा क्रिस्पी रहता है। अगर आपका बैटर जो है परफेक्टली फर्मेंट होता है तो ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगा। और इसके केरला एग करी के साथ, केरला एग करी जो एग्स टू है उसके साथ, या कोई भी एग करी या चिकन करी के साथ आप सर्व कर सकते हो। तो ज़रूर से ये रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छे लगते हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।